11 राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी जानी है। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर बोल रहे हैं। किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें इसी भावना का एक प्रतिबिंब है। साथियों, भारतीय रेलवे देश के गरीब और मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। हमारे यहां एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया, लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थाई घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए
रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही देश के 500 से ज्यादा बड़े स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। अमृतकाल में बने ये नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे। ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे। मेरे परिवारजनों, रेलवे स्टेशन कोई भी हो, उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है, जन्मदिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेलवे ने रेलवे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानी स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पुणे समेत कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्ष पूरे किए हैं। ऐसी उपलब्धियों पर वहां के लोगों को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें, हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं एक बार फिर नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उनका संबोधन। उन्होंने 9 वंदे भारत की सौगात दी है देश को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें लोकल फॉर वोकल होना होगा और यही जो सौगात दी गई है 9 वंदे भारत ट्रेनों की, इसके जरिए आम जन जुड़ पाएंगे। और ये हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित भी किया उन्होंने, और हरी झंडी भी वर्चुअली प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। जो रूट है ट्रेनों का, 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का, वो रूट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े और उन्होंने बड़ी बातें कही। 9 वंदे भारत से देश के 11 राज्य के लोगों को फायदा पहुंचेगा। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह से हरी झंडी, जिस जगह से ये ट्रेन चल रही है, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े प्रधानमंत्री मोदी और हरी झंडी दिखाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हैं। 9 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है देश के 11 राज्यों को। 9 वंदे भारत ट्रेन मिली है जो कि कई लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरी झंडी दिखा करके वंदे भारत ट्रेन को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने वंदे भारत की शुरुआत करते हुए कई महत्वपूर्ण बयान भी दिए, जिसमें विरोधियों पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि पहले कुछ लोग अपने इलाके में ट्रेन चलाते थे, आज पूरे देश में ट्रेन वंदे भारत के माध्यम से चल रही है, रफ्तार से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 9 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है और इन 9 वंदे भारत से देश के 11 राज्य के लोगों को फायदा पहुंचेगा।